स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। आज की मेरी इस जीत के लिए मैं मेरी पूरी फैमिली को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वेरी लविंग फैमिली के कारण, सबके सपोर्ट के कारण, एनकरेजमेंट के कारण मैं ये अवार्ड जीत पाई हूँ। अगर मेरी फैमिली मुझे इतना इंस्पायर नहीं करती, मोटिवेट नहीं करती, तो मैं अपनी वीकनेस को ओवरकम ही नहीं कर पाती। मैं एथलेटिक नहीं थी, लेकिन सबने मुझे इतना मोटिवेट किया और मैं देखो आज एथलेटिक बन गई। खूब मेहनत करके आप लोगों के कारण मैं प्राइज भी जीत गई। सो थैंक्स टू यू ऑल। एंड मेरी एक छोटी सी एंजल है जिसका नाम है रूही भल्ला। एंड मेरी रूही भल्ला ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। एंड रूही ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, उसने ये समझा और सोचा कि ईशिमा उसको जिताएगी, इसीलिए मैं जीत पाई। थैंक यू ऑल। एनीथिंग? थैंक यू। अब बैठ जाओ, टांगे टूट के गिर जाएंगी। और बोटू कैसी लगी मेरी स्पीच? ठीक था? वेरी गुड ईशिमा। मेरी बेटी है, मुझे तारीफ भी करेगी, मुझे मालूम है। बोल तो ऐसी रही थी जिससे ओलंपिक से गोल्ड का मेडल लेके आई हो। कोई बात नहीं मामा जी, कभी कभी तुक्का लग जाता है। असली चैंपियन तो वो होता है जो बार बार जीते। तुम मेरी गर्लफ्रेंड पुत्र तेनू ना आदि की खातिर इस घर के सारे लोगों को अपनी तरफ करना होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे इशिता ने ना अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया इस घर के सारे लोगों को। और तू भी ना बड़ी स्मार्ट बन के ना इन्हें एक पासे कर दे। बड़ी तेज है ये कुड़ी, कुछ पता ही नहीं लगता है था अंदरों की है बाहरों की है। ते नाले एक और गल नोट की थी तूने, पहले कैसे बोल रही थी मैनू रेस नहीं आंदी, ते फिर कैसे अग्गे अग्गे दौड़ी थी, देखा था ना। चल मैं जरा किचन देख के आनी हूं। ये मम्मी करके रही, कभी इस पल्ले कभी उस पल्ले, वो क्या कह रही? हुन समझ आई है की नाटक चल रहा है? हाँ, क्या जरूरत है इतना लोड लेने की? अगर शगुन से इतनी तकलीफ हो रही है तो उसे निकाल देते हैं, कहीं और इंतजाम कर देता हूँ उसका मैं। ओए ओए, ऐहे तो फर्क है ना तुम मर्दों में और हम औरतों में। तुम मर्दों में ना अकल की कमी होती है, हाँ गुस्से की कोई कमी नहीं होती। ओ पावे जिन्ना मर्जी करा लो। ओ, हम मर्दों में ना गुस्सा भी भरपूर है और अकल भी भरपूर है। ओ, मैं जानता हूँ आदि हमारे पास आ गया है, इसलिए हमें उसके साथ अच्छे से डील करना होगा। इसलिए तो हम शगुन को बर्दाश्त कर रहे हैं। अमन पुत्र, इन औरतों के झगड़ों से ना दूर ही रहे। अरे मेरी बात मान, ये औरतों की किचन पॉलिटिक्स है ना कमाल की होती है, इसमें कोई नहीं जीत सकता। इन्हें आपस में भिड़े रहने दे। हाँ पापा, ये आम औरतें नहीं, एक तरफ इशिता है, इतनी अच्छी है, इतनी भोली है, दिल की इतनी साफ, दूसरी तरफ शगुन, जहर भरा हुआ है हर चाल में उसकी। देखते ही ऐसा ना हो जाए कि गेम हमें खेलने लगे और हम ही गेम से आउट हो जाए। बेटा मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुम ये पैकेट रमन को दे देना, इसमें 2,24,412 रुपीस है। ठीक है पापा। से हाउ मच? पापा याद हो गया मुझे, डोंट वरी मैं दे दूँगा। ओके। अरे हाँ इशू, है ना पापा, वो रूही की रेस जीतने के लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू पापा। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ रही, बच्चों का स्पोर्ट्स डे था, ओलंपिक्स में अपने बच्चे की रेस किसी ओलंपिक से कम नहीं होती, उसके चेहरे की एक मुस्कुराहट किसी मेडल से कम नहीं होती।
और हमारी एक जीत उसकी पूरी जिंदगी के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है। पर ये बातें तुम नहीं समझोगी कि तुम तो आज भी चीटिंग से जीतना चाहती थी। बच्चे मेरे और एटीट्यूड तो देखो, खुद की चीज हो तो जाने। चीज किसे बोल रही हो? वो मेरी बेटी है, कोई चीज नहीं है। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें ठीक लगती हैं कि अब तक तो तुमने लोगों का बस चीजों की तरह इस्तेमाल किया है, फिर वो रमन हो या रूही या आदि। जस्ट शट अप। आदि के बारे में एक शब्द मत कहना। बेटा है वो मेरा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा बेटा है, तभी तो पूरे हक से उसका इस्तेमाल कर रही हो। इतनी गंदगी उसे सिखा रही हो जो तुम्हारे अंदर भरी थी। तुम मुझे सिखाओगे? लाठी पांच। मैं माँ हूँ, बांझ वो जो बच्चा होते हुए भी उसे खो दे। ओह जस्ट माइंड योर टंग, माइंड योर एक्शंस। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम एक दिन आदि को खो दो और तुम चुप क्यों हो गए? कहो ना, बोलो। हाँ शगुन, जिंदगी तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहती है, तुम सीखना नहीं चाहती हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो तुम्हें ऐसी ठोकर दे कि तुम दोबारा कभी उठकर खड़ी ना हो पाओ। संभल जाओ। नीलू, शगुन मैम के लिए जरा नींबू पानी लाना। आज काफी थकी हारी सी आई है ये घर। ये बेंजी खुद को समझती क्या है? उसे तो सबक सिखाना है। इसमें 2,24,412 रुपीस है। डोंट वरी, मैं दे दूंगी। देखिए, कुछ समय पहले आपके ब्रदर इन लॉ का एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उनकी लोअर बॉडी पार्ट में इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो इन फ्यूचर कभी बाप नहीं बन पाएंगे। इशिता का डैड रमन के ऑफिस में अकाउंटेंट है और रोमी के लाइफ में मजबूरी है। रोमी भी उसी ऑफिस में काम करता है जहां जमाई बॉस है और ससुर के हाथों पैसे का जिम्मा। मिस्टर अय्यर, रोमी, रमन, इशिता। रोमी, रोमी। पहले मुझे उसे तोड़ना होगा और उसे इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है, फिर वो तोड़ेगा इस परिवार की यूनिटी। रोमी, ओए होने, इन्हें आराम नाल नहीं बैठना। वो आज की दौड़ में हार के आई है ना टांग जली बिल्ली, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में पकड़ा होगा। मम्मी जी, खिसियानी बिल्ली है, इसको जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तो पुत्र यही तो सोचते हैं हम बैठे यहाँ पर। अच्छा गल सुन, अगर पक्की है ना तो घर में तो नहीं है ना? हाँ अभी बाहर गई है गाड़ी से, मैंने देखा ना। बहुत बढ़िया, चल फिर कोई तरकीब सोचते हैं कि इसकी शामत कैसे लाई जाए। पर मम्मा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि शगुन भी घर से चले जाए और आदि भी हमारे पास। ओ यार, ये मुश्किल है ना। आदि को ऐसी पट्टी पढ़ाई हुई है ना कि आदि उसका पल्लू ही नहीं छटता। ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या हम, जिसमें शगुन इस घर से निकल भी जाए और उसे पता भी ना चले कि हमने कोई स्ट्रेटजी खेली है? ओए ए गल मेरे पल्ले नहीं पड़ी। मम्मी जी, मैं समझाती हूं। अम्मा, मैंने कहा ठहरी हूं। आजा आजा। ईशु, तुम शगुन को मेरे घर में भेज दो, मेरी आईस के सामने रहेगी, मैं उसको अच्छे से देखती। इले अम्मा, इले, आप नहीं जानते हो बहुत बड़ी परेशानी को अपने घर बुला रहे हो। अयो ईशु, चमत्ते कुट्टी, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ। संतोषी, हाँ ये शगुन जैसा छोटा मोटा गर्ल्स को मैं अच्छा लेसन सिखाती। भाकला, गल तो तूने बहुत चंगी की, पर यार सवाल ये पैदा होता है कि वो तेरे घर जाएगी क्यों? अब थोड़ा तो तुम भी दिमाग लगाना, है ना? हाँ आंटी, जब आइडिया दिया तो पूरा दो ना। अच्छा, शगुन की कोई वीकनेसेस नहीं है क्या? मतलब किसी चीज से उसे परेशानी होती हो या इरिटेशन? ये लो,
उसकी तो एक ही कमजोरी है, शॉपिंग। अच्छी बात है कि अभी वो कम से कम रमन के पैसे नहीं उड़ा रही है, उसकी मम्मी वहाँ ऑस्ट्रेलिया से पैसे भेज रही है। सुकून तो है किसी बात का। वैसे अम्मा आप ही बोलो ना, वैसे भी आजकल आपकी बड़ी दोस्ती शोस्ती हो रही है ना उसके साथ। चलो मैनू भी पता। हाँ काफी दोस्ताना चल रहा है आजकल। आइडिया। हाँ हम वांदू को पूछते हैं। कैसे? क्यों? उससे क्यों? अरे वांदू बहुत स्मार्ट है, वो मेरी बेटी है। हाँ यार कोई ऐसा तगड़ा आइडिया दस ना कि शगुन को यहाँ से दफा करे। देख मम्मी जी, हमें जो भी करना है आदि के कैंप से वापस आने से पहले करना होगा, क्योंकि एक बार वो वापस आ गया ना फिर वो शगुन को कहीं नहीं जाने देगा। इनफैक्ट शगुन खुद इस्तेमाल करेगी उसका रुकने के लिए। उते फिर तू वंदिता दे नाल गाल कर। अच्छा रूमी, तुम्हें कमजोर फील करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या मतलब मेरे साथ? मुझे क्या हो? छुपाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। एक कौन सी प्रॉब्लम? अब प्लीज अपने काम से काम रखो यार, मुझे कुछ नहीं हुआ ठीक है। रूमी मैं जानती हूँ कि तुम गुस्सा और इस समय ऑकवर्ड भी फील कर रहे होंगे, लेकिन मेडिकल साइंस के पास बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। इस प्रॉब्लम का भी सलूशन निकल आएगा, तुम्हें बस भरोसा रखना होगा। आई प्रॉमिस यू ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। वैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े बड़े डॉक्टर्स को मेल किया है, तो डेफिनेटली इसका सलूशन निकल ही जाएगा। देखो जी ऐसा है कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करो तो बेहतर है ठीक है, और आपका ये ख्याल रखना अच्छे से जानता हूँ मैं, और ममता तो बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। मेरे साथ मुझे माफ करो प्लीज रूमी, आई रियली केयर प्लीज। रूमी मेरी बात तो सुनो। अब देखना रूमी कैसे तुम अपनी माँ की तरफ मेरी तरफ हो जाते हैं। शीता जा रही, पूरा परिवार एक एक करके मेरी तरफ हो जाएगा और तुम्हारे खिलाफ। अब इससे पहले शगुन वापस इशू के अगेंस्ट जाए ना, वी हैव टू हेल्प। आई नो अक्का, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अम्मा कह रही थी कि अगर उसकी कोई वीकनेस पता चल जाएगी इट विल बी रियली नाइस। का लेकिन शगुन की वीकनेस तो वही जानता होगा ना जो उसके क्लोज हो, और उसके जो क्लोज होगा वो उसके अगेंस्ट क्यों जाएगा? एग्जैक्टली नीकू, ये इंफॉर्मेशन तू अपने घर से ही निकाल सकती है। कैसे? अशोक से, वो दोनों लिव इन में रहते थे ना, तो वो तो उसे इन एंड आउट जानता होगा। नहीं बट अशोक क्यों हेल्प करेगा मैं? एक सेकेंड, अशोक हमारी हेल्प क्यों नहीं करेगा? अक्का आप अशोक को नहीं जानती, अगर मैं उसे अभी बोलूँ ना चल मुर्गा बन कान पकड़ गए, तो वो अभी मेरे लिए मुर्गा बन जाएगा। अशोक मुझसे बहुत डरता है अक्का, मैं जो बोलूंगी वो करेगा। That's great. तो एक काम करते हैं, तू सारी इन्फॉर्मेशन निकाल अशोक से ठीक है, एंड प्लीज बी केयरफुल, आई डोंट वांट कि इशू को हेल्प करते करते ना तू कोई प्रॉब्लम में फंस जाए। अक्का चिल ना, डोंट वरी, मुझे क्या होगा, वैसे भी आई हैव अशोक अराउंड माय लिटिल फिंगर। शगुन को क्या लगता है मेरी इशू का सिर्फ पंगे लेगी वो? शगुन बंधु अक्का और मैं तेरे पीछे पड़ गए। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? देखो मेघा, I'm sorry। क्यों? मुझसे कोई गलती हुई होगी ना? अशोक तुम भी ना, कैसी बातें कर? फिर कैसी बातें कर? कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ प्यार, कुछ इकरार, ऐसी बातें करो ना। पर यहाँ तो फिर का? सोचो। Hey।
रही है अशोक, आज तो जैकपॉट लग गया है। देखते हैं क्या करना है। तुम क्यों टाई लूज कर रहे हो? तुम्हारी गर्दन पे तो मेरा हाथ होना चाहिए ना। रिलैक्स, पूरी रात बाकी है, तुम यहाँ आओ मेरे करीब। तू बातें करे अच्छी अच्छी, मेरी तारीफ नहीं करोगे? Of course, baby. You are the best. अच्छा, शगुन से भी ज्यादा? किसका नाम ले लिया है? बोलो ना। Baby, तुम्हारा और शगुन का कोई कंपैरिजन नहीं। Really? क्यों नहीं है? छोड़ो ना मेका, मूड खराब कर रही हो तुम, बाद में करेंगे बात। नहीं, पहले तो मुझे बताओ ऐसी क्या बात थी शगुन में जो इतनी बुरी थी? Of course, वो ना पीस ही खराब थी। अच्छा, एक तो उसके खर्चे कितने थे, ऊपर से उसके बच्चों के खर्चे, फिर कोर्ट में जाके कस्टडी केस भी लड़ो, उसके नखरे। She was, इतनी एलर्जी थी ना उसे। She was full of problems. एलर्जीज? कैसी एलर्जीज? वही जब घर में पेंट किया था ना, तो मैडम 15 दिन के लिए होटल रूम में जाके रहने लगी। उसकी स्मेल से उसे एलर्जी थी, यू नो, नाक बंद हो जाती थी, उसे सांस नहीं आती थी। अच्छा, एनीवे छोड़ो बाबू, आई टॉक टू यू। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, चलो जाए। कहाँ जाओ? कहाँ मतलब क्या, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है ना अशोक। आज भी मैं इतना रोमांटिक फील कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें शगुन की सारी बातें याद है। उसे किस चीज से एलर्जी, उसे क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है ना। फिर मेका, तुम्हें तो पूछा था ना शगुन के बारे में। नो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। तुम आज भी उसको बहुत याद करते हो, आज भी उसके लिए फील करते हो। तुम जाओ यहाँ से अशोक। नहीं मेका, मेरी बात तो सुनो। तुम एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से इतनी इमोशनल हूँ, वल्नरेबल हूँ, लोनली हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड की जरूरत है, लेकिन वो तो अपनी एक्स के बारे में सोच रहा है। तुमने तो मैं तुम जाओ, उठो उठो, बहुत हो। I'm so tortured, like go। क्या मेरी बात तो सुन। जाओ, I'm irritated, अशोक, go। तो शगुन मैडम को पेन से एलर्जी। अनुवाका को बताती हूँ, मजा आएगा। काल कितनी वंदिता से कोई आइडिया मिला भूत भगाने का। वर्क इन प्रोग्रेस। नीलू, नीलू मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे प्लीज सैलेड बना देना, लंच तक वापस आ जाऊंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। शुक्र है चली गई सैंड करने वास्ते। ओए छेती दस यार, तेनू पता है मैं सारी रात सो नहीं सकी। पता है रात नू मैं की करदी रही हां? मूंगफली खांदी गई, सोचती रही, मूंगफली खांदी रही, सोचती रही कि की कीता जाए इस पिछल पैरू नू के दौड़ जाए इधरों। पता है की नतीजा निकला? 1 किलो मूंगफली खत्म हो गई, कोई तरकीब ही नहीं। कैसे अका, मुझे पता है उसे कैसे भगाना है। दस दस से ना इश्ती दस। अम्मा, आंटी जी, सिमी, अरे तू क्या तो मुझे उसे पेंट से एलर्जी है। अच्छा, तुमको कैसे मालूम? बाला ने बताया था, वो बाला आदि को ट्यूशन देता है ना, तो आदि ने उसे बताया था। ऐ ते बड़ी चंगी खबर है, पर यार जो तू एलर्जी होंदी ते मेकअप का पेंट ला के कैसे घूम सकती थी? आंटी, वो मेकअप का पेंट से एलर्जी नहीं है उसे, फिर? उसे वॉल पेंट से एलर्जी है। अरे वो पेंट से और टर्पेंटाइन ऑयल से, दोनों से एलर्जी है, तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, घर छोड़ के जाना पड़ता है, होटल में जाके रहना पड़ता है। ओए गुड गुड, ओए वेरी गुड आइडिया, ऐसे तूने बड़ी चंगी खबर देती। और चलो फिर चल के ना उसके कमरे की साफ सफाई से रेनोवेशन शुरू करिए। हमारा रेनोवेशन वो गलत नहीं समझ में आ गई ना? बस ठीक है, आ गई मेनू सिखाने वाली। और नीलू, शगुन के लिए थोड़ी अदरक वाली चाय भी बना देना। अरे संतोष, ओए उन्हें आंधे सर्दी जो लगने वाली है।
मां प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।